आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है बी फॉर बॉलीवुड को बी फॉर बैड बोलने का। चलो माना 10 में से 8 फिल्म बेकार होती है, लेकिन बाकी दो को तो बदनाम मत करो। अब जुग जुग जियो वो ऊपर वाली 8 फिल्मों में से है या फिर बची हुई बाकी दो अच्छी फिल्मों में से एक? दोस्त जवाब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक ही परिवार के दो कपल्स की है, पहले जूनियर लव बर्ड्स जिनके किस्से स्कूल कॉलेज के टाइम से काफी मशहूर है और इनकी फाइनल डेस्टिनेशन शादी पे जाके खत्म हो गई है। दूसरे हैं सीनियर हमसफर, शादी को हो चुके हैं इनके 35 साल, घर परिवार सब एकदम सेट और दुनिया के लिए किसी एग्जाम्पल से कम नहीं है, जोड़ी हो तो इनके जैसी। लेकिन फिर होता है रियूनियन जूनियर्स का विद सीनियर, नाच गाना पार्टी और इस सब के बीच में फिल्म के विलन की एंट्री होती है। कौन? डिवोर्स। जी हाँ, दोनों के दोनों प्यार वाले और परिवार वाले सबको चाहिए एक दूसरे से तलाक। बोले तो पति पत्नी के बीच में वो की एंट्री हो चुकी है, वो माने दूरियां। बस सोच के देखिए, एक घर जिसमें नई नई फ्रेश फ्रेश शादी की शहनाई बजने वाली थी, वहाँ मम्मी पापा एंड बेटा बहू दोनों के लिए जज साहब का हथौड़ा बजने वाला है। ऑर्डर ऑर्डर। देखो बॉस, जुग जुग जियो एक मामूली फिल्म है, नॉर्मल सीधी सादी, बिना कोई ट्विस्ट टर्न या सस्पेंस। फिल्म को जैसा आपने सोचा था ये सेम वैसे वैसे आगे बढ़कर दी एंड तक पहुंच जाती है, जीरो सरप्राइजेस। 2.5 घंटे के इस सफर में आपको सैड, इमोशनल, रोमांटिक, कभी खुशी कभी गम टाइप के काफी सारे डायलॉग सुनने को मिलेंगे। बस यही फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत है, सिर्फ डायलॉग्स हैं, उनके पीछे से फीलिंग्स वो टोटली गायब हैं। पूरे 2.5 घंटे में मुश्किल से 2-3 सीन्स ऐसे हैं जिनको देखकर आपको कुछ महसूस होगा, बाकी सब टाइम पास है। जबरदस्ती प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश, वो भी ऐसी जो सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में कोई पंजाबी गाना बीच में आ जाता है और कहानी का मूड एकदम से बदल जाता है। बस इसके अलावा फिल्म में और कुछ भी नहीं है। वैसे एक चीज थोड़ी हटकर है, रिलीज से पहले सब इसको वरुण और क्यारा की फिल्म समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये अनिल सर और नीतू मैम को ज्यादा फोकस में डालती है, वो इस कहानी के लीड हीरो हीरोइन है। इस जोड़ी ने एंटरटेनमेंट और एक्टिंग दोनों की इज्जत रख ली है, फनी सिचुएशंस भी आती हैं और गुस्सा ट्रेजेडी वो सब भी क्रिएट किया जाता है। इनकी प्रॉब्लम्स पे एक बार भरोसा कर सकते हो आप। लेकिन वरुण और क्यारा का चैप्टर वो काफी अनकन्विंसिंग सा है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत हुई नहीं फिल्म में, सिर्फ सॉन्ग्स के थ्रू प्यार और दूरी को डिफाइन किया गया है। वरुण को मैं बदलापुर, अक्टूबर जैसी मूवीज वाले कैरेक्टर और ज्यादा प्ले करते हुए देखना चाहती हूँ। ये वाला उनका अवतार ज्यादा असरदार लगता नहीं है और इस फिल्म में भी उनको अनिल कपूर ने आउटशाइन कर दिया है। क्यारा का परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन उनका इस्तेमाल एज सपोर्टिंग कैरेक्टर किया गया है, ज्यादा कुछ स्पेशल करने को है नहीं उनके पास। हाँ, लेकिन मनीष पॉल का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया है, वो बीच बीच में आके नॉर्मल फिल्म में भी कॉमेडी को शामिल कर देते हैं। इवन प्राजक्ता उर्फ मोस्टली सेन ने भी काफी सरप्राइज किया है, इनका रोल अच्छा खासा है और बंदी अपने कैरेक्टर से टोटल जस्टिस करती है। इन शॉर्ट देखो बॉस, जुग जुग जियो एक एवरेज फिल्म है जिसमें कुछ भी नया या अलग नहीं है, स्टार्टिंग एंडिंग सब पहले से पता है आपको। लेकिन इसको डिजास्टर वाली कैटेगरी में डालना भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वन टाइम वॉच कर सकते हो फैमिली के साथ अगर पॉकेट और टाइम आपको परमिशन दे। तो यार मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 2.5 स्टार्स। पहला तो एंटरटेनमेंट, पूरे 2.5 घंटे और कुछ होना हो बोर तो बिल्कुल नहीं हो गया आप। दूसरा, फॉर अनिल कपूर प्लस नीतू कपूर सीनियर कपल में मुझे पर्सनली जूनियर वाले से ज्यादा मजा आया। और आधा स्टार फॉर मनीष पॉल एंड प्राजक्ता के कैमियोस को इंटेलिजेंट तरीके से प्लेस करने के लिए। नेगेटिव्स में पहला कटेगा फॉर फीलिंग्स, जो इस फिल्म को देखते वक्त या फिर देखने के बाद मुझे फील नहीं हुई। दूसरा, वही घिसी पिटी कहानी एक मॉडर्न नाम के साथ प्रेजेंट करना, अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आधा वरुण धवन और क्यारा को भी वेस्ट मार दिया फिल्म की कमजोर कहानी ने। इस बार फाइनल चॉइस आपकी है, आगे किसी फिल्म के लिए सेविंग्स कर रहे हो तो इस फ्राइडे रहने दो, लेकिन फैमिली टाइम चाहिए जिसमें कॉमेडी ट्रेजेडी का कैमियो हो तो चले जाना थिएटर। बाकी वीडियो में कुछ